ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की धरती पर इन दिनों नारी सशक्तिकरण की आवाज बहुत ही तेज हो चली है। कांग्रेस ने जहां आगामी यूपी चुनाव पूर्णतया महिलाओं पर केंद्रित कर विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं बीजेपी भी अब कांग्रेस की राह पर मजबूर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने 60 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए, जिससे 16 लाख महिलाओं को मदद मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, हेमा मालिनी सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। पीएम मोदी ने इस मातृशक्ति महाकुंभ में शामिल महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि फरवरी में हम सबसे पहले कुंभ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आए थे, तब संगम में डुबकी लगाकर अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त किया। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट में बसा प्रयागराज, ये धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन के जरिए पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था, आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के महिलाओं ने, माताओं, बहनों, बेटियों ने ठान लिया है कि अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। वहीं बेटियों की शादी की उम्र 21 साल को किए जाने को लेकर भी पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, बिना किसी पक्षपात डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है, पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों
साथ ही पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा, जो बने हुए घर हैं, उनके कागज में भी घर की महिलाओं का नाम होगा, घर की माताओं का नाम होगा। साथियों, रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है, उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिख रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले भी लिए। आधी आबादी जिस सम्मान को पाने के लिए आज़ादी के बाद से ही तत्पर थी, वो सपना आज साकार हो रहा है। इधर सियासी चर्चा है कि प्रयागराज में आज हुआ मातृशक्ति महाकुंभ था, प्रियंका के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कार्ड। पॉलिटॉक्स ब्यूरो उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।